अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। अच्छा जी, ईमेल मार्केटिंग हम अपनी लास्ट क्लास में देख रहे थे, उसी को फर्दर कंटिन्यू करते हैं और जो चीज़ें रह गई थी उनको इंशाल्लाह आज कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी? हमने अपना एक ईमेल कैंपेन सेटअप करना देख लिया था, उसके लिए ऑडियंस किस तरह से बिल्ड करनी है हमने वो चीज़ें भी देख ली थी। ठीक है, कॉन्टैक्ट्स, टैग, सेगमेंट, सर्विस, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं कि ऑडियंस सेक्शन में क्या होता था। कैंपेन्स हम देख चुके हैं, ऑटोमेशन हमने कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, वेबसाइट के जो फीचर मेलचिम देता है उसकी आई डोंट थिंक अभी हमें ज़रूरत है, ये वैसे ही है जैसे शॉपिफाई है, जैसे वर्डप्रेस है, जैसे विक्स है, उसी तरह मेलचिम ने अपनी सर्विस प्रोवाइड की है कि आप यहीं पे रहते हुए अपनी वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि शॉपिफाई में रहते हुए आप डिफरेंट प्लगइन्स या डिफरेंट एप्लीकेशन, जिसको वो कहता है एप्स, इनको यूज़ करते हुए आप एडिशनल काम ले सकते हैं। जैसे शॉपिफाई में रहते हुए आप प्रीवी, जैसे मैं ऐप यूज़ करता हूँ, इसके थ्रू मैं अपनी वेबसाइट पर पॉपअप्स, ईमेल्स और एसएमएस की कैंपेन रन कर सकता हूँ। सिमिलरली मेलचिम पे रहते हुए आप वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। देन उसके बाद एक ऑप्शन इन्होंने दिया था कंटेंट स्टूडियो का। ठीक है, कंटेंट स्टूडियो में क्या है कि जितना भी जैसे आपका जो डेटा, जैसे हमने बिजनेस मैनेजर में देखा था कि आपका एक डेटा हब बन जाता है, उसी तरह का डेटा हब है। यहाँ पे आप अपने सारा जो डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, डिटेल्स हैं, जो भी सोर्स मटेरियल है आपका, वो सब आप यहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं। साथ में आपको एक ही क्रिएटिव असिस्टेंट दे दिया जाता है जो आपको सारे स्टेप्स बता रहा होता है कि आपको अब क्या करना चाहिए। ठीक है, इंटीग्रेशंस की अगर बात करें तो उसमें सिंपल है कि किस किस वेबसाइट के साथ आप मेलचिम को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, किस टूल के साथ, वो सब आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जी, शॉपिफाई के साथ भी मैं कर सकता हूँ, मैं वू कॉमर्स के साथ भी कर सकता हूँ, वर्डप्रेस के साथ भी कर सकता हूँ। ये आइकॉन्स कौन कौन से हैं आई डोंट नो, लेकिन इनके साथ भी हम लोग इसको मैच कर सकते हैं। अच्छा, ऑटोमेशन की अगर बात करें ना, तो ऑटोमेशन जो है वो बेसिकली, इनफैक्ट हमने इसकी थोड़ी सी जो है ना एक ओवरव्यू भी हमने इसका देख लिया था ऑटोमेशन का, कि ऑटोमेशन क्या करती हैं कि एक सर्टेन आपका एक कह लें बिहेवियर या आपका एक पैटर्न अगर है जो आप रेगुलरली फॉलो करवाना चाहते हैं और उसके लिए आप बार बार अपना टाइम नहीं देना चाहते या बार बार आप जो है उन एफर्ट्स को दोहराना नहीं चाहते हैं, तो आप उस चीज़ को ऑटोमेट कर देते हैं। यही ऑटोमेशन फेसबुक एड्स पे भी होती है, जहाँ पे आप अगर चाहते हैं कि जी ऑटोमेटिकली फेसबुक जो है मेरे एड अकाउंट्स को मॉडिफाई कर दे अगर वो एक सर्टन रूल के अगेंस्ट जाए, तो उसमें क्या होता है। फॉर एग्जांपल, आपने एक ऐड कैंपेन चलाई और आपने कहा कि जी मुझे अगर जब तक 200-300 रुपए की कन्वर्जन मिलती रहेगी तब तक आई एम फाइन, अगर ये 400-500 की होती है या उससे आगे, दैट मींस के अब मुझे लॉस हो रहा है, तो आप वो रूल लगा देते हैं कि जी मुझे इसके आगे अगर कॉस्ट बढ़ती है तो आप मेरे ऐड को पॉज कर देना। इसी तरह ईमेल मार्केटिंग में आप क्या करते हैं कि आप अलग अलग ऑटोमेशन आप बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसने कुछ बिल्ट इन आपको स्टेप्स दिए हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू नर्चर रिलेशनशिप्स, नए क्लाइंट्स को वेलकम करना है तो आप इस ऑटोमेशन को यूज़ कर सकते हैं। कोई कॉन्टैक्ट्स आपके थे जिनका डेटा आपके पास है पर अब वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस के साथ इंगेज नहीं कर रहे, तो आप उनको रिमाइंड करा सकते हैं इस टेम्पलेट को यूज़ करते हुए। आप ई कॉमर्स हैं और आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है, देन यू कैन यूज़ दिस टेम्पलेट। इफ़ यू वॉन्ट टू शेयर सम इन्फॉर्मेशन, कोई न्यूज़ लेटर वगैरह आपने शेयर करना है, आप ये कर सकते हैं। एंड अगेन दिस इज़ फॉर अगेन सेलिंग स्टफ,
बट ये वाला ही ऑटोमेशन है फॉर अबेंडेंड कार्ट कस्टमर, जो आपकी वेबसाइट पे गए, उन्होंने कार्ट में ऐड की प्रोडक्ट लेकिन चेकआउट नहीं किया, और ये उनके लिए है जो रिपीट कस्टमर्स हैं ऑलरेडी आपके, तो आप उनको कोई बेनिफिट या लेवरेज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी खुद से एक ऑटोमेशन क्रिएट भी कर सकते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या है जी, एक प्री बिल्ट जर्नी है, आप चाहें तो अपनी जर्नी बना भी सकते हैं। जर्नी बेसिकली क्या है, आपके कस्टमर की जर्नी है कि कोई कांटेक्ट आता है, उसने आपके ईमेल न्यूज़लेटर पे साइन अप कर लिया। आपने अक्सर कोई वेबसाइट्स खोली होंगी तो उसमें आपको नज़र आता होगा कि सामने सामने कभी कभी पॉपअप आ जाता है कि शेयर योर ईमेल एंड नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम आवर वेबसाइट, और गेट अ फ्री बुक या गेट फ्री डिस्काउंट और समथिंग लाइक दैट। तो अगर आप वहाँ साइन अप कर लेते हैं तो आपने पहले स्टेप फुलफिल कर लिया, आपको कस्टमर का डेटा या उसका ईमेल आईडी मिल गया। ओके, तो आपकी ईमेल जब चली गई हमारे सर्वर पे, या कस्टमर की ईमेल जब हमारे पास आ गई, तो हम क्या करते हैं, उसको कस्टमर जो है आपका, वो एक ईमेल उसको मिलेगी जो कि वेलकम ईमेल होगी। जो आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप कभी ईमेल अपनी सबमिट कर देते हैं तो आपको फ़ौरन ही एक ईमेल आती है उनकी तरफ से। देन उसके बाद क्या होता है कि जिस ईमेल में आपने कोई ना कोई उसको कॉल टू एक्शन दिया हुआ होता है। कॉल टू एक्शन क्या होता है कि आपने उससे कोई वेलकम के साथ आपने या तो कोई उसको ऑफर दी होती है कि अगर आप ये सब्सक्राइब कर लें, या अगर आप हमारे फेसबुक चैनल को अभी लाइक कर लें तो आपको ये फ़ायदा होगा, एंड ऑल दोस थिंग्स, जो भी आप उसको लेवरेज देना चाहते हैं। अगर वो उस पर एक्शन ले लेता है तो ठीक है, अगर वो आपकी ईमेल को इग्नोर कर देता है तो एक कंडीशन उन्होंने लगा दी कि इफ़ द ईमेल रिस्पॉन्स इज़ डिलेड फॉर 2 डेज, कि अगर 2 दिन तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो क्या करना है जी, उसको दूसरी वेलकम ईमेल भेजें। अब ऑब्वियसली ये वेलकम ईमेल और ये वेलकम ईमेल में कंटेंट में थोड़ा फ़र्क होगा। ऐसा भी हो सकता है कि हे वी नेवर हर्ड बैक फ्रॉम यू, या हे वी आर मिसिंग यू और समथिंग लाइक दैट, ताकि उसको भी रियलाइज हो कि अच्छा जी हाँ, मैंने पहली ईमेल मिस की थी तो ये दूसरी ईमेल आई। देन अगेन कंडीशन है जी, इफ दैट ईमेल रिस्पॉन्स इज अगेन डिलेड फॉर 2 डेज, तो उसके बाद एक कंडीशन इन्होंने लगा दी कि जी उसकी इस एक्टिविटी के बेस पे आप कुछ फैसले लेंगे। वो फैसले क्या होंगे जी, कि अगर तो उसने इस दूसरी ईमेल के बाद आपकी ईमेल पे इंगेज कर दिया है, ठीक है, बेस्ड ऑन कैंपेन एक्टिविटी, अगर कंडीशन यस मिलती है कि हाँ जी उसने इंगेज किया है, तो आप उसको एक डेटा में स्टोर करें, उस पर टैग लगाएं कि दिस इज़ हाई इंगेजमेंट यूज़र, कि हाँ जी ये इंटरेस्टेड है हमारे प्रोडक्ट में, ब्रांड में, और जब इसको ईमेल मिली तो इसने रिस्पॉन्ड दिया। दूसरे केस में आता है कि जी अगर नहीं दिए उसने कोई रिस्पॉन्स, तो आप क्या करेंगे कि उसकी कैंपेन एक्टिविटी को एनालाइज करेंगे कि क्या उसने अपने प्रीवियस स्टेप्स में, या जब उसने ईमेल सबमिट की थी, तो उसकी इंटेंशन या उसकी बिहेवियर कैसा था। अगर वो थोड़ा बहुत भी आपको लगता है ना पॉजिटिव कि उसने ईमेल खोल के देखी लेकिन क्लिक नहीं किया, या उसने एक दो लाइन पढ़ ली, या उसने आपकी ईमेल को पे रहते हुए, ठीक है, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया लेट्स से, तो वो थोड़ा मीडियम इंगेजमेंट में उसको टैग कर देना कि हाँ ही इज़ इंटरेस्टेड बट ही इज़ नॉट वेरी मच इंगेजिंग। और अगर उसने वो भी नहीं किया है तो जी उस पर टैग लगा दे नो इंगेजमेंट। तो इस तरह से क्या होगा कि 3 कॉन्टैक्ट्स के आपके पास जो है ना डेटा बन जाएंगे, डेटा सेट, एक कस्टमर वो जो आपके प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, एक वो जो मीडियम या मिड रेंज पे इंटरेस्टेड है, और एक वो जो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप इस डेटा से कैसे खेलते हैं। इधर यू कैन से कि हाँ ठीक है जी, मुझे हाई इंगेजमेंट वालों को अब कस्टमर में कन्वर्ट करना है, मीडियम इंगेजमेंट वालों को पहले हाई इंगेजमेंट में कन्वर्ट करना है, फिर कस्टमर करना है यहीं से, या आप यहीं पे रहते हुए इन तीनों के लिए एक एक ईमेल ड्राफ्ट कर सकते हैं। हाई इंगेजमेंट वालों से आप उस तरह से ही बात करेंगे कि वी अंडरस्टैंड दैट यू आर इंटरेस्टेड इन आवर प्रोडक्ट, सो व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम परचेजिंग। वो कुछ भी हो सकता है कि जी आपके पैकेज हाई हैं, अभी उसके पास पैसे नहीं है, वट एवर रीजन। तो आप देखते होंगे अक्सर आपको फूड पांडा या और डिफरेंट जो है ना कंपनीज की ईमेल जो आती रहती हैं, वो इतनी कोशिश करते हैं कि वो आपसे बात करें या आपसे कनेक्ट कर सकें किसी तरीके से।
मीडियम एंगेजमेंट वालों से आप उसी तरह बात करेंगे कि आप उनको पहले थोड़ा और ज़्यादा जो है ना, कहते हैं ना कि उसको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे या उसको एजुकेट करेंगे, एंड देन आप कोशिश करेंगे वो कन्वर्ट हो। और जिसने एंगेजमेंट नहीं दिया आप उससे उस तरह से ही बात कर सकते हैं। जैसे अक्सर जो है ना, मैंने अभी बीच में सब्सक्रिप्शन ली थी इसकी डुओलिंगो की, तो बीच में जब जब मैं छोड़ देता हूँ ना उसकी रेगुलर क्लासेस देना या कुछ, मुझे ईमेल्स आती हैं शुरू में कि हे यू फॉरगॉट योर लेसन, हे इट्स बीन 3 डेज, वी हैव मिस्ड यू। और अगर मैं थोड़े लंबे टाइम के लिए छोड़ दूँ ना उसको, तो उसकी ईमेल आती है दिस इज़ आवर लास्ट ईमेल और समथिंग। तो आप खुद देखते हो कि अच्छा लास्ट ईमेल क्यों आ गई भाई अचानक से। तो पता ही चलता है कि भाई अगर आपने अभी सब्सक्रिप्शन नहीं की तो मैं आप वी आर गोना रिमूव यू फ्रॉम द मेलिंग लिस्ट। वो खुद अपनी तरफ से जो ना, वो ऐसा भी नहीं हो रहा कि वो आपको कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा जो ना आपके साथ एल्फी होना जिसको बोलते हैं, कि बहुत ज़्यादा आपके साथ चिपक नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा जो ना आपको अपने लूप में मसल से लिए नहीं जा रहा कि ईमेल दे दी उसने। बोला ठीक है भाई आपका इंटरेस्ट नहीं है तो मेरी तरफ से भी ना ही समझे। वो फिर आपको एक वार्निंग देता है कि अगर 3 दिन तक आपने इस ईमेल का रिप्लाई नहीं किया तो मैं आपको ईमेल से रिस्पॉन्ड से हटा दूंगा, और वो फिर कर भी देते हैं कि वो फिर आपने ईमेल सेट से हटा देते हैं। सेम चीज़ आप यहाँ कर सकते हैं कि अगर कोई इंगेजमेंट नहीं है तो आप उसको एक ईमेल भेजें, हो सकता है आप उसमें मजीद कंडीशन लगा दें कि अच्छा 2 दिन बाद एक और ईमेल भेजो, और फिर उसके बाद क्या करना है ये ईमेल करना उसको छोड़ देना। ठीक है, तो इस तरह की डिफरेंट जो है ना आप अपनी कंडीशंस बना सकते हैं, और इन्हीं कंडीशंस को आप फर्दर एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप ये 2 दिन की जगह 3 दिन बना सकते हैं, आप वेलकम ईमेल 2 के बजाय 3 भेज सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू हाउ यू वॉन्ट टू बिल्ड द यूजर्स जर्नी। ठीक है, मेरी ऑडियंस बहुत बड़ी है तो फिर वो दोबारा मसले करेगी। अच्छा जी, देन कम्स ट्रांजेक्शनल ईमेल्स। ट्रांजेक्शनल ईमेल क्या करती है जी? आइडियल डेवलपर टूल फॉर डिलीवरिंग फास्ट पर्सनलाइज्ड मैसेजेस दैट आर कस्टमाइज्ड टू योर कंटेंट नीड्स। यू कैन बी स्टार्ट बाय स्पेंडिंग अप टू 500 फ्री ईमेल्स टू देयर वेरीफाइड डोमेन। अच्छा जी, तो ये ट्रांजेक्शनल ईमेल्स हैं जिनकी मार्किंग इस तरह से हुई भी होती है कि दे हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट इन इट, तो वो आपके मेल बॉक्स में जाना, वो प्रमोशंस के सेक्शन में नहीं जाती, वो डायरेक्ट इनबॉक्स में जाती है। तो इसलिए इनकी कॉस्ट भी थोड़ी डिफरेंट होगी, इनका जो वर्क प्रोसीजर होगा वो भी थोड़ा डिफरेंट होगा। गिव मी अ मिनट। ओके, सॉरी अबाउट दैट। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे ट्रांजेक्शन ईमेल्स के बाद रीटारगेटिंग एड्स की। अच्छा, रीटारगेटिंग एड्स क्या होते हैं? कि आपने उन लोगों को टारगेट करना है जिनको बेसिकली जिनका डेटा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं किसी पोर्टल पे, यहाँ पे वो बात कर रहे हैं गूगल की, गूगल के डेटाबेस में जो आपकी टारगेट ऑडियंस है आप उसको भी टारगेट कर सकते हैं थ्रू रीटारगेटिंग। और इसमें होता क्या है कि जिन प्लेटफॉर्म्स पे वो अक्सर अपनी वेबसाइट अपना जो है ना बेसिकली टाइम स्पेंड करते हैं, आप उन वेबसाइट्स पे अपने एड्स, ठीक है, शो कर सकते हैं, और उनको बेसिकली आप जो है ना अपनी वेबसाइट पे भी वहां से लेकर आ सकते हैं कि जी यू हैव टू कम बैक टू अवर वेबसाइट। वो किस तरह से होता है जी? क्रिएट अ गूगल रिमार्केटिंग एड, रिकैप्चर योर ऑडियंस अटेंशन विद द हेल्प ऑफ गूगल्स ह्यूज एड नेटवर्क, एनकरेज योर पोटेंशियल कस्टमर्स टू कम बैक टू योर साइट,
with web retargeting ads that display your brand or products on the sites they browse every day. ओके जी, ठीक है। इसके लिए बेसिकली आपने करना क्या है कि आपने अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करना होगा। जब आपकी वेबसाइट कनेक्ट हो जाती है तो फिर उसके बाद इनका जो प्रोसीजर है बेसिकली रीटारगेटिंग का, वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आप इजीली जो है ना अपने कस्टमर्स को अपनी वेबसाइट की तरफ बेसिकली राउट कर सकते हैं। ठीक है, मैं सिंपली ये ऐड करूंगा तो वो मेरे शॉपिफाई पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसका मैं थोड़ा सा जो रिव्यू है वो आपको प्रीव्यू पे करके दिखाता हूँ कि हाउ इट वर्क्स। अच्छा, अगर ये चीज क्लियर है शॉपिफाई और सॉरी मेलचिम्प का प्लेटफॉर्म, इसका डैशबोर्ड, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, ये चीजें आपको क्लियर है? अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो मुझे बता दें। ओके जी, अब हम बात करते हैं इसी तरह के एक और प्लेटफॉर्म की जिसका नाम है प्रीवी। अच्छा, प्रीवी क्या करता है? प्रीवी भी मोर और लेस ईमेल मार्केटिंग टेक्स्ट बेस्ड कैंपेन्स तो चलाते ही है, साथ में वो कुछ और एडिशनल फीचर्स दे देता है आपकी वेबसाइट के लिए। ठीक है, अब अगर मैं कैंपेन्स पे जाता हूँ इसकी, तो अब कुछ ड्राफ्ट्स हैं जो इसने पहले से बना के रखे हुए मेरे लिए, जैसे वेलकम साइन अप ईमेल हमने बनाई थी मेलचिम्प पे बिगिनिंग से, तो ये कुछ इन्होंने ड्राफ्ट अपने उस तरह के बनाए हुए थे। मेलचिम्प भी बेसिकली क्या था कि हमने टेम्पलेट पसंद की थी और उस पर हमने एडिटिंग कर दी थी, उसी तरह से इसकी कुछ ये टेम्पलेट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप अपनी जो है ना कस्टम न्यू कैंपेन्स भी बना सकते हैं। इसका नाम प्रीवी है, प्रीवी PRIVY प्रीवी। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जी वेलकम साइन अप की कैंपेन मेरी चल रही है और यहीं पे मुझे रिस्पॉन्स भी बता रहे हैं कि जी आपकी कैंपेन एक्टिव है, तकरीबन 16,500 लोगों ने अब तक इसको देख चुके हैं, उसमें से 1,300 लोगों ने साइन अप कर लिया है। ठीक है, और इस ईमेल मार्केटिंग कैंपेन की बेस पे आपको 247 ऑर्डर्स भी मिल चुके हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शंस होते हैं कि ठीक है जी वेलकम ईमेल तो मैंने कर दी है, जैसे ही वो वेबसाइट पे आया मैंने उसको वेलकम ईमेल भेजी और उसको कहा कि जी ठीक है 10% आप डिस्काउंट ले लें। ठीक है, इसको मैं आपको अच्छा खैर ये रिजल्ट्स का डेटाबेस देख रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि हम इसको ना इनिशियल से क्रिएट करें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से हम इसको बनाएंगे चलाएंगे। हमने लीजिए न्यू कैंपेन, न्यू कैंपेन में उसने कहा क्या आपका एम है, वेलकम डिस्काउंट पॉपअप आ जाए, पॉपअप होते हैं जो उछल के अचानक से जले आपकी वेबसाइट पर सामने एक जो है इमेज सही कहा जाता है या मैसेज एक आ जाता है। ठीक है, फ्लाई आउट क्या करता है जी, फ्लाई आउट इज मोर सटल स्टाइल ऑफ पॉपअप फ्लाइंग आउट फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर पेज, ये अचानक से जादू से मुंह पे नहीं आता, ये थोड़ा नीचे से स्क्रॉल अप करेगा। क्रॉस सेल क्या करता है, रिकमेंड प्रोडक्ट्स टू अ शॉपर बिफोर द चेकआउट,
चलिए, क्रॉस सेल क्या करते हैं कि अगर कोई ऑलरेडी आपकी वेबसाइट पे शॉपिंग कर रहा है, परचेजिंग करने वाला है, तो वो उससे पहले पहले ना आपको कुछ ये और ऑप्शन बता देता है कि इस प्रोडक्ट के साथ ज़्यादातर ये दूसरा प्रोडक्ट जो है ना वो परचेज किया जाता है, या ये प्रोडक्ट इसके साथ लिंक है, अगर आप चाहें तो पूरा अपना जो है ना कलेक्शन बना सकते हैं और वॉट नॉट। कार्ट सेवर क्या करते हैं जी, अगर कोई ऐड टू कार्ट करके बंद करने वाला होता है, वेबसाइट बाहर निकलने वाला होता है, वो उसके क्लोज करने पे जो है ना, जैसे ही उसको पता चलता है ना कि ये कर्सर यूं करके क्रॉस की तरफ जा रहे हैं, तो वो जल्दी से ये मैसेज उसको दिखाता है, कहता है डोंट गो। आप उसको कोई भी एक ऑफर दे सकते हैं कि अगर आप अभी चेकआउट करते हैं तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। दिस इज़ अ रियली गुड थिंग कि अक्सर का जो है ना इंसान डबल माइंड होता है, मैं लूँ नहीं लूँ, लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है तो उसको अगर आप ये बेनिफिट दे दें तो वो शायद उसका माइंड बन जाए कि चलो परचेज कर लेते हैं। ठीक है, फ्री शिपिंग बार है जो आप अपनी वेबसाइट पर लगा सकते हैं। ठीक है, एग्जिट ईमेल कैप्चर वो भी इसी तरह का ही कि आप अगर कोई जाने वाले तो आप उसको ये मत बोलेंगे अपनी परचेज कंप्लीट करो, आप उसको बोलेंगे काम करो अपनी जो है ना ईमेल यहाँ पे देके चले जाओ, ताकि हम उसमें आपको अगले आपके परचेज पे जब आप आओगे तो आपको 20% डिस्काउंट दे दें। मतलब इसमें तो इस वाले में रोक रहे हैं आप कार्ट सेवर में कि नहीं रुको अपना ऑर्डर कंप्लीट करो, इस वाले में आप कह रहे हैं ठीक है जा रहे हो तो चले जाओ, लेकिन बस ईमेल दे दो ताकि हम आपको कॉन्टेक्ट में रहें और आपको अगली परचेज पर डिस्काउंट दे दें। देन इस तरह के काउंट डाउन टाइमर बार आप लगा सकते हैं किसी पर्टिकुलर पेजेस के ऊपर के जी ये जो सेल चल रही है, जो डिस्काउंट चल रही है, बस इतने दिन में इतने टाइम में खत्म हो जाएगा। काउंट डाउन टाइमर विद साइन अप, इसी तरह एक और काउंट डाउन टाइमर चल जाएगा जिसमें आप ईमेल भी मांग सकते हैं कि आप अगर अभी इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर मुझे अपना ईमेल देते हैं तो आप एक ऑफर अवेल कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पर। अच्छा, तो हम चले बात करते हैं वेलकम डिस्काउंट पॉपअप की। अच्छा, अब इसके कुछ डिस्काउंट्स आपको पहले बनाने पड़ते हैं, ठीक है, वो कूपन्स यहाँ से बनते हैं। तो कुछ ही कूपन्स बने हुए हैं जी, 15%, 20%, 10% प्रीवी वेलकम, तो हम चलें यही वाला जो है ना कैंपेन ले लेते हैं, वेलकम 10% डिस्काउंट। तो अब जैसे जैसे आप मोबाइल वर्जन या डेस्कटॉप वर्जन, सिमिलरली जैसे हम शॉपिफाई की वेबसाइट को एडिट कर रहे थे। अच्छा, शॉपिफाई से याद आया, अभी तक तो मैंने अनाउंस नहीं किया है, कल हमें एक और गेस्ट स्पीकर ज्वाइन करेंगे, ठीक है, उनका नाम है मोहम्मद मोहतशिम। बेस्ड होते हैं ये लंदन में, बहुत ही यंग एज के, एक छोटे सी उम्र के हैं ये एक्सपर्ट, और इनकी जो बेसिक नीश है ना वो है ही शॉपिफाई डिज़ाइनिंग एंड शॉपिफाई, आप उसको कह सकते हैं मोनेटाइजेशन भी कह सकते हैं, आप उसको कह सकते हैं शॉपिफाई को जो है ना बेसिकली उसको कस्टमाइज कर सकते हैं वो, और उसको इजी बना सकते हैं यूजर जर्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपकी जो कन्वर्जन्स हैं वो स्मूथ हैं। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह उनसे हम चीज़ें सीखेंगे मजीद, दोबारा शॉपिफाई की बेसिक्स हम सीख चुके हैं, उनसे हम सीखेंगे, जो भी आपके अगर कोई क्वेश्चंस हो आप वो पूछ सकते हैं, या वो अपने जो एक्सपीरियंसेस बताएंगे कि हाउ यू कैन यूज दिस बिजनेस एज अ सर्विस एज वेल, कि आप सिर्फ शॉपिफाई पे लोगों की वेबसाइट बना बना के भी एक जो है ना बड़ा हाई प्रॉफिट मार्जिन बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, जबकि मैंने आप लोगों को दिखाया कि शॉपिफाई पे वेबसाइट बनाना इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा, जितने आपके सवाल हों शॉपिफाई से रिलेटेड वो रखिएगा, इसको एक दफ़ा दोबारा आप लोग चाहें तो गो थ्रू कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं शॉपिफाई में। बेसिक्स एक डैशबोर्ड होता है बड़ा इजी सा, लेकिन अक्सर लोगों को ये भी बनाना या ये भी चलाना नहीं आता है, तो अगर आपने ये चीज़ें पिछली क्लासेस मिस कर दी हैं तो आप उसकी रिकॉर्डिंग ज़रूर सुन लीजिएगा, ताकि आप बाकी क्लास के साथ जो है ना सेम पेज पर हो जाए। और दूसरा ये है कि जब आप दोबारा से रिवाइज करेंगे तो आपके हो सकते हैं जहन में कुछ सवाल हैं जो आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं इस तरह की वेबसाइट बनाने के लिए, क्योंकि कुछ नहीं कुछ नहीं, इस तरह की भी अगर आप एक बेसिक सी वेबसाइट बना के देंगे ना, आप इजीली उसको इजीली 200, 300, $500 की बेच सकते हैं ऑनलाइन मार्केट में। ठीक है जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक,
अब यहाँ पे इसने क्या किया जी, मुझे प्रीव्यू पहले दिखा दिया कि किस तरह का मेरा पॉपअप नज़र आएगा मुझे, और अब मैं उसको एडिट कर सकता हूँ। अब मुझे पता है कि मेरे ज़्यादातर यूज़र जो हैं मोबाइल से देखेंगे, तो मैं मोबाइल पे ज़्यादा फोकस करूँगा, डेस्कटॉप को हम एंड में भी देख सकते हैं। तो जी सबसे पहले डिस्प्ले में पॉपअप पे जब हम गए तो उसने कहा कि अच्छा इमेज क्या यूज़ करेंगे, उसने कहा जी ये इमेज हमने लगाई हुई है, आपने कहा इसको चेंज कर दो। चेंज करके फॉर एग्जांपल आपने कोई एक इमेज ले ली, लेट सपोज यहीं से आपने जाना, या तो यहाँ से उठा ली, कोई शॉपिफाई का प्रोडक्ट ले सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं अपनी कोई भी फोटो। लेट से आपने जी लोगो ही ले लिया। अच्छा अब आपको ये सामने सामने नज़र आ रहा है कि अच्छा लोगो जो है सही तरह से क्रॉप नहीं है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू आर फाइन विद द इमेज तो ठीक है, आप आगे बढ़ सकते हैं। यू गो बैक, देन आपने देखा कि अच्छा नेक्स्ट टेक्स्ट आ रहा है जी ज्वाइन अस वाला, आप यहाँ पे क्लिक करें तो भी खुल गया, आप यहाँ से ज्वाइन अस पे क्लिक करें तो भी खुल जाएगा। आप इसके फॉन्ट साइज पोजिशनिंग वगैरह टेक्स्ट सब यहाँ से एडिट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट टेक्स्ट में आप डायरेक्ट उसकी सेटिंग्स में चले जाते हैं, सेम चीज़ आप यहाँ पे अपना टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी ये ईमेल बॉक्स जिसने बनाया है। ठीक है, अगर यहाँ से देखें तो जी फॉर्म एंड बटन के सेक्शन में, यहाँ से भी आप इसका फॉर्म कलर्स वगैरह ये सब चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। ये जितना ज़्यादा आप इसके साथ प्ले अलॉन्ग करेंगे उतना आपको समझने में आसानी रहेगी। टेक्स्ट इसने दिया हुआ है सब्सक्राइब का, भाई समझा क्यों नहीं रहे। अच्छा जी ये कैंपेन कहाँ गई, सर कस्टमाइजेशन में इसकी पोजीशंस चेंज नहीं कर सकते? कस्टमाइजेशन में आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं जैसे कि दिखाऊं कि वो पेज मेरा सामने से बंद हो गया, मुझे डुप्लीकेट बनानी पड़ेगी। ये इशू आ रहा है कि हम इसको इनिशियल से कैसे क्रिएट करेंगे। जी हीरा पूछे। अलैकुम सर, वेलकम सर। सर मुझे पूछना था कि अगर शॉपिफाई पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, शॉपिफाई वेबसाइट बिल्डिंग की, तो उसमें कंटेंट भी आपको ही प्रिपेयर करना होगा या फिर वो प्रोवाइड करेंगे? कंटेंट देखिए अगेन वही वाली बात है, जितना काम आप क्लाइंट का आसान करेंगे उतने ज़्यादा आप क्लाइंट से पैसे ले सकते हैं। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हाँ जी कंटेंट एक डिफरेंट फील्ड है, अगर कंटेंट आप नहीं देंगे तो मुझे लिखना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली मुझे एक रिसोर्स या मुझे टाइम देना पड़ेगा और उस टाइम के पैसे लगेंगे। तो इट कैन बी बोथ वेज, अगर क्लाइंट आपकी सर्विसेज लेना चाहता है तो आप फिर अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पे, अपनी एजुकेशन की बेस पे आप उनको बताएंगी कि जी क्योंकि इतना जो टाइम मैंने सीखा है, मैं एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो है ना वो बनाऊंगी, कंटेंट बनाऊंगी, तो वो सब के पीछे मैंने टाइम लगाया है, उन सब के पीछे मेरी जो है ना एक एक्सपर्टीज लगी है। तो उस बेस पे आप क्या कर सकते हैं कि आप उनसे एडिशनल चार्ज कर सकते हैं, और अगर क्लाइंट प्रोवाइड कर दे तो आप उसमें थोड़ी बहुत उसको कंसल्टेंसी दे सकते हैं कि जी कंटेंट सही है या नहीं है। अच्छा जी, तो सवाल ये था कि क्या हम इसको अलाइन अप एंड डाउन कर सकते हैं। अब मैंने ये चीज़ रिमूव तो कर दी है, बट आई नीड टू सी इफ़ आई कैन मूव देम अराउंड, जो कि मेरे ख्याल में इसमें हो नहीं रहा। आई कैन चेंज द लेआउट फ्रॉम हियर, बट इनकी अलाइनमेंट जो है ना वो चेंज नहीं हो रही है। तो आई थिंक अगर आप बिल्ट इन
इस पे जाएंगे। हाँ मेरे ख्याल में अभी जब एंड में वो जो पिछला पेज देख रहे थे ना, वहाँ पे ये चीज़ एडिट हो सकती है शायद। अच्छा फॉर्म्स एंड बटन्स हमने देख लिया, ठीक है। टैक्स वगैरह मैंने यहाँ से भी रिमूव कर दिया था, जस्ट कि मैं पोजीशनिंग वगैरह अगर चेंज करना चाहूँ तो हम कर सकते हैं। हाँ, ओके। देन उसके बाद आपका जो है ना एक बॉटम टेक्स्ट है कि जी बाय कंप्लीटिंग दिस फॉर्म यू आर साइनिंग अप टू रिसीव आवर ईमेल्स एंड कैन अनसब्सक्राइब एट एनी टाइम, ठीक है। बाकी आप कलर्स वगैरह अपने चेंज कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। ये राउंड करना हो अगर आपने इन कॉर्नर्स को, तो दैट्स अप टू यू हाउ मच यू वांट टू प्ले विद इट। ठीक है जी। सो इस तरह से आपका एक पॉपअप रेडी हो जाएगा एंड वंस यू पब्लिश इट, ठीक है। अच्छा इसके ये अभी हम पॉपअप साइट पे थे, थैंक यू पेज एक दूसरा होता है कि जब कोई फॉर्म सबमिट कर दे या ईमेल सबमिट कर दे तो आपने उसको किस तरह से ग्रीट या किस तरह से थैंक यू करना है, ठीक है। उसके अलावा ये जो टैब है आप इसको चेंज कर सकते हैं कि नीचे वो क्या देखे या किस फॉन्ट से देखे, ठीक है। इसके लिए आपका डिज़ाइन सेंस, आपके डिज़ाइन एस्थेटिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए कि आपको पता हो कि एक कस्टमर या एक क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो टेक्स्ट देखे तो उसको एक तो वो बाकी क्लटर से स्टैंड आउट भी करना चाहिए और वो उसको इजीली समझ भी आना चाहिए। ठीक है, वंस यू आर डन विद ऑल दीज थिंग्स यू कैन सिंपली पब्लिश इट। आप पब्लिश कर देंगे, पब्लिश करने के बाद वो आपको आपकी कैंपेन जो है वो यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाती है जब आप उसको पब्लिश कर देंगे। माई वॉइस इज टू लो, अच्छा अब बेहतर है जी सर, क्लियर है ना? ठीक है जी, शिरजान आपको सवाल पूछ रहे हैं। जी सर, मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर ट्रैफिक कहाँ से लाएंगे हम, जो है ना कस्टमर को घेरेंगे कैसे शॉपिफाई ऐप पे? किसी ने जो ना वहां से रूम लॉगिन कर लिया,